फाइंड साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू एंड टेन एक्स बाई टू इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें क्या करना है, साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इधर क्या दे रखा है, के पास टेन एक्स, ये किसके इक्वल दे रखा है, माइनस फोर अपॉन थ्री के इक्वल दे रखा है। ऐ कर रहा हूं इसको कॉस में चेंज कर लेता हूं, किस में चेंज कर लेता हूं, कॉस के अंदर। देखो ये क्या है आपका पी है और ये क्या है आपका बी, मैंने यहां पर क्या निकाल रहा हूं, एच निकाल रहा हूं। एच इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या हो जाएगा बोलो, रूट के अंदर है ना पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एच आपका एज इट इज रूट के अंदर पी, पी कितना है आपका फोर है ना, फोर का होल स्क्वायर प्लस बी, बी कितना है आपका थ्री, इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉरी एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स किसमें था सेकंड क्वाड्रेंट, जिसके कारण जो टेन था वो माइनस का आ रहा था, ठीक है मैंने गलत बोल दिया था। तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, रूट के अंदर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, तो एच इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और रूट से बाहर निकालूंगा कितना आ जाएगा फाइव। एच कितना आ गया के पास, फाइव आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉस एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, कॉस एक्स की, ठीक है ना। देखो आपको पता चल जाएगा कि आप कॉस एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, कॉस का मतलब क्या होता है बोलो, बी अपॉन एच, बी कितना है आपका थ्री और एच कितना है फाइव, और ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है के पास नेगेटिव होता है, इसलिए किसका साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। अब देखो इधर मेरे पास कॉस एक्स का, ठीक है ना, फॉर्मूला साइन की फॉर्म में भी होता है ना, कॉस एक्स पे अगर मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि मुझे एंगल क्या करना है, एक्स बाई टू चाहिए, तो इसका मतलब मुझे क्या हो गया, हाफ एंगल फॉर्म लगाना चाहिए। तो देखो मैं कॉस एक्स का साइन की फॉर्म में भी फॉर्मूला जानता हूं है ना, कॉस की फॉर्म में भी जानता हूं है ना, आपकी आपकी मर्जी, आप कोई सी फॉर्म में भी लगा लो, ठीक है। तो मैं कॉस एक्स का फॉर्मूला, ठीक है, साइन की फॉर्म में लगा रहा हूं, साइन में क्या होता है बोलो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है। अब देखो मुझे साइन एक्स बाय टू के लिए चाहिए, तो मैं इसको उठा के इधर ले आता हूं और इसको उठा के इधर ले आता हूं, ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स, बात क्लियर है, बोलो टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स के लिए कितनी है, माइनस का थ्री अपॉन फाइव, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा, बात क्लियर है। तो देखो क्या आ गया पास, टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू फाइव वन जा फाइव, फाइव फोर थ्री एट, कितना हो गया, एट अपॉन फाइव हो गया, बात क्लियर है। अब देखो यार मैं साइन स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू निकालता हूं, टू का चल जाएगा डिवाइड के अंदर चल जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट अपॉन फाइव इंटू टू, टू से काटा फोर, तो साइन एक्स बाय टू, अब रूट चल जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, रूट फोर अपॉन फाइव, तो साइन एक्स बाय टू कितना आ जाएगा के पास, टू अपॉन रूट फाइव आ जाएगा। अब देखो अगर हम देखें कि ये जो आपके पास था, ठीक है ना, ये किसमें था, सेकंड क्वाड्रेंट, जो आपका एक्स था वो सेकंड क्वाड्रेंट में था, सेकंड का मतलब क्या हो गया कि पाई बाय टू से तो बड़ा था और 180 से छोटा था। अगर मैं यहां पर एक्स बाय टू करता हूं, टू का डिवाइड लगा रहा हूं, यहां कितना हो जाएगा पाई बाय फोर और यहां कितना हो जाएगा पाई बाय टू, मतलब क्या आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, किस में आ गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ चुका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स बाई टू किसका होता है, प्लस का होता है, ठीक है ना, बात क्लियर है। अब मैं कॉस के लिए फॉर्म लगाता हूं, ऐसे ही देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू, कॉस के लिए क्या फॉर्म होता है बोलो, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन, ठीक है, कॉस एक्स के लिए कितनी है के पास, माइनस का थ्री अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो मैं इस वन को उठा के ले जाता हूं, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री अपॉन फाइव प्लस वन इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, कितना हो गया बोलो, फाइव वन जा फाइव, फाइव में से थ्री गया, कितना आ गया, टू अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, टू से टू कैंसिल, कितना आ गया, वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ठीक है ना। तो कॉस एक्स बाय टू ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन रूट फाइव, कितना आ जाएगा, वन अपॉन रूट फाइव, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बाय टू, इसलिए किसका रहेगा, ये भी प्लस का ही रहेगा, किसका रहेगा, प्लस का। अब टेन एक्स बाय टू के लिए चाहता हूं, तो देखो टेन एक्स बाय टू का मतलब साइन एक्स बाय टू अपॉन कॉस एक्स बाय टू, ठीक है ना, तो साइन एक्स बाय टू की वैल्यू कितनी है, टू अपॉन रूट फाइव,
और cos x by 2 के लिए कितनी है 1 अपॉन रूट 5, तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, तो tan x by 2 ये कितना आ गया आपका रूट 2 आ गया है, कितना आ गया आपके पास रूट 2। बात क्लियर है? चले अब इसी का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये कि cos x इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 1 अपॉन 3 है और x जो है वो किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, x किस क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये जो cos x है वो कैसा आ रहा है आपका नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। चले अब देखो यार यहाँ एक फायदा हुआ हमारा कि cos x की वैल्यू हमें डायरेक्टली दे रखी है, ठीक है ना। अब cos x है बस आप तो cos x का फॉर्मूला लगाते जाओ। देखो यार cos x का फॉर्मूला, ठीक है आप चाहो पहले किसके फॉर्म में लगा लो, साइन में लगा लो या cos में, किसी आपकी मर्जी जिसमें लगा लो, क्या होता है बोलो cos की फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ठीक है तो cos x बाय 2 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको उठा के ले जाता हूँ, बोलो कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। देखो कितना हो गया 3 बन जा 3, 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, देखो कितना आ गया बोलो 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है ना। अब cos x बाय 2 है ना, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो रूट चल जाएगा, जब इसका रूट निकालूंगा कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। अब देखो इधर अगर हम देखें कि जो x था वो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि पाई से तो ज्यादा है और 3 पाई बाय 2 से छोटा है। अब मुझे x बाय 2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ कितना हो जाएगा पाई बाय 2 है ना, और ये कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 4, पाई बाय 2 से तो बड़ा है और 3 पाई बाय 4 से छोटा है, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है। किसमें पहुंच गया है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया आपने। बात क्लियर हो गई? अब मैं किसके लिए निकालता हूँ साइन एक्स बाई 2 के लिए निकालना चाहता हूँ। देखो कैसे, वही कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ, किसका फॉर्मूला लगा रहा हूँ कॉस एक्स का फॉर्मूला, साइन की फॉर्म में भी होता है, बोलो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो माइनस का 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। अब इस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 को इधर ले आता हूँ और इसको उठा के इधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा बोलो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, 2 से काट दिया कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहां से रूट चल जाएगा इसके ऊपर, तो साइन एक्स बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट के अंदर 2 अपॉन 3। अभी किस क्वाड्रेंट में x बाय 2 जो एंगल है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, यही रहेगा आपके पास वैल्यू, कितने आ गए पास साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू रूट 2 अपॉन 3 आ गई। अब मुझे किसके लिए चाहिए टेन एक्स बाय 2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 की वैल्यू कितनी है रूट 2 अपॉन रूट 3 लिख दूं, अलग अलग कर दिया रूट को, ठीक है ना, और कॉस एक्स बाय 2 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो कितना आगे पास वैल्यू इसकी माइनस का रूट 2 आ गई, कितने आगे पास माइनस का रूट 2, ठीक है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो यार क्या दे रखा है आपके पास साइन एक्स है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1 अपॉन 4 दे रखी है और जो x है वो क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, x किस में सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब समझ के ना, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई बाय 2 से तो बड़ा है और क्या है पाई से छोटा है, ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यही हो गया, इसी कारण साइन x पॉजिटिव दे रखा है आपको, ठीक है। मैं यहां से क्या कर रहा हूँ cos x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखो ये क्या है आपका p है और ये क्या है आपका h, तो वही b निकालूंगा, तो b इज इक्वल टू पाइथागोरस से बड़ी जब आप सॉल्व करोगे b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर, रूट आपका एज इट इज h, h कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस p, p कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आगे पास रूट 15 आ गया, ठीक है। अब देखो इधर cos x के लिए निकालो, cos का मतलब कहता है b अपॉन h, b कितना है आपका रूट 15 और h, h कितना है आपका 4 और ये किस क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड में cos x क्या होता है बोलो नेगेटिव होता है। बात क्लियर है, ठीक है ना। अब चलो देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ वही cos x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos में लगा लो साइन में लगा लो आपकी इच्छा हो जिसमें लगा लो, है ना। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर
x by 2 minus 1, ठीक है, cos x की वैल्यू कितनी है के पास, माइनस का रूट 15 अपॉन 4, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2 minus 1, अब मैं इस 1 को उठा के ले जाता हूँ, बोलो कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 15 अपॉन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2, 4 1 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 15 प्लस 4 है ना अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x by 2, ये 2 डिवाइड में चल जाएगा के अंदर, तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस का रूट 15 प्लस 4 अपॉन कितना हो गया 8 इज इक्वल टू कितना हो गया cos स्क्वायर x by 2, अब यहां से किसके लिए निकाल रहा हूं cos x by 2 की, तो इस पूरे पे क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का रूट 15 प्लस 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना आ गया cos x by 2 आ गया है, ठीक है, बात क्लियर है, चलें आगे, अब देखो cos x by 2 अगर हम एंगल x by 2 करते हैं तो ये किस में आ जाएगा, पाई बाई 4 और यहाँ कितना आ जाएगा पाई बाई 2, मतलब किसमें पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास cos x जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos x by 2 के लिए कितने के पास 4 माइनस रूट 15 सॉरी माइनस रूट 15 ठीक है ना अपॉन 8 आ गई है, ठीक है, अब ऐसे ही साइन की फॉर्मूला लगाता हूँ, देखो साइन में क्या होता है पास cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2, cos x की कितनी है माइनस का रूट 15 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x by 2, तो साइन स्क्वायर x by 2 को उठा के चले जाता हूँ है ना, और इसको उठा के चले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो 2 साइन स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 15 अपॉन 4, तो 2 साइन स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 हो गया, ठीक है, ये 4 डिवाइड में चल जाएगा, तो देखो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8, ठीक है, तो साइन x by 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15 अपॉन कितना आ जाएगा पास 8 आ जाएगा, बात क्लियर है, ठीक है, अब देखो इधर, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बोलो, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई साइन x by 2 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, और ये वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में x by 2 एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव होगा, ठीक है, अब मुझे किसकी चाहिए tan x by 2 की वैल्यू चाहिए, तो देखो tan x by 2 कितना होता है साइन x by 2 अपॉन cos x by 2, ये आपका रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15 अपॉन 8 अपॉन, ठीक है, रूट के अंदर इसको ऐसे लिख दूं 4 माइनस रूट 15 अपॉन 8, तो देखो रूट 8 से क्या हो जाएगा रूट 8 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 प्लस रूट 15, ठीक है, अपॉन रूट के अंदर 4 माइनस रूट 15 बच गया है, ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेंगे रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको रेशनलाइज कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 प्लस रूट 15 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस रूट 15,